दोस्तों, दिल्ली और कोलकाता के बीच आईपीएल का 19वां मुकाबला खेला गया और हर मैच की तरह इस मैच में भी रोमांच की कोई कमी नहीं थी। टॉस हारने के बाद दिल्ली ने जबरदस्त शुरुआत की। शॉन वार्नर ने पहले विकेट के लिए 93 रनों की साझेदारी निभाई। इसके बाद वार्नर ने पारी को संभालते हुए 61 रनों की पारी खेली। निचले क्रम में शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने अच्छा साथ दिया और टीम अपने 20 ओवरों में 215 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रहे। केकेआर को जीत के लिए 216 रनों की दरकार थी। वहीं दोस्तों, इस आईपीएल मैंने विंजो ऐप में फैंटेसी टीम बनाकर काफी पैसे जीते हैं। मुझे ये ऐप काफी पसंद है क्योंकि इस ऐप में आप एक्सपर्ट्स की मदद लेकर अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हो और आसानी से पैसे जीत सकते हो। बंगलोर और मुंबई के मैच में भी मैंने विंजो के एक्सपर्ट की टीम चुनी, जिस वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। विंजो में खेलना भी आसान है, आपको बस फैंटेसी और टैब में जाकर एक्सपर्ट्स की टीम को सपोर्ट करना है और फिर मैच देखो बिना टेंशन के। ये ऐप एकदम सिक्योर भी है, तो अभी जाओ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करो विंजो और तुरंत पाओ ₹50 बोनस कैश भी। दोस्तों, इसके बाद जब केकेआर की टीम स्कोर को चेस करने उतरी, तब उनके ओपनर्स ने टीम को इतनी खास शुरुआत नहीं दी। टीम ने 38 के स्कोर पर 2 विकेट गवा दिए थे, लेकिन फिर अय्यर और राणा ने पारी को संभाला। इसके बाद राणा के आउट होते ही टीम बिखर गई। 139 के स्कोर पर 6 विकेट गवा दिए थे। अब सारा दारोमदार रसल के कंधों पर था। आखिरी 4 ओवरों में 73 रनों की दरकार थी और रसल ने कोशिश जरूर की, लेकिन इस बार बड़ा कारनामा करने में असफल रहे और दिल्ली ने इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, केकेआर की टीम किस वजह से हारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।